पॉडकास्ट क्रिमिनल हंट शो में मैं रमा दीक्षित हमेशा आपको ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में बताती आई हूं जिनके अपराधों ने सबको चौंका दिया था। अब चाहे ये अपराधी वो हो जिसने 5 mm मोटे और 7 इंच लंबे तार से 237 कारों के ताले तोड़ दिए, और वो क्रिमिनल भी आपको याद होगा जिसने 900 मीटर लंबी सुरंग खोदकर एक बैंक लूट लिया था, और वो क्रिमिनल भी कम नहीं था जिसको लूडो किंग कहते थे। और आज हम हमारे शो पे एक ऐसे ही क्रिमिनल की कहानी सुनाएंगे जिसने सारे देश को हिला के रख दिया था। नमस्कार, मैं रेणुका शाने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे किसी पसंदीदा टीवी शो का जब फर्स्ट सेगमेंट मिस हो जाए तो हमें उसका रिकैप देखने की बड़ी दिलचस्पी होती है कि पहले क्या हुआ था, तभी आगे देखने की दिलचस्पी कायम रहती है। पर हमारी असल जिंदगी भी एक कहानी ही है जिसका अतीत हम जरूर जानते हैं लेकिन अंत क्या होगा हमें नहीं पता होता। लेकिन फिर भी हम अपनी योजनाओं के नए नए प्लॉट गढ़ते हैं, ऐसे ऐसे ब्रेक पॉइंट्स पड़ाव निर्धारित करते हैं और फिर सोचते हैं इसका क्लाइमैक्स एक हैप्पी एंडिंग से भरपूर होना चाहिए। ये कहानी हर घर की है, हर वर्ग की है, सपने और संघर्ष के हर उस ट्विस्ट और टर्न की है जो कभी हमें हंसा देता है, कभी हमें रुला देता है। लेकिन फिर भी हर जिंदगी का एक अलग कालचक्र होता है, एक अलग पृष्ठभूमि होती है, और इस केस की पृष्ठभूमि काल को भी चुनौती देने वाली थी। कुणाल जी है ना, ये यहाँ पोछा लगा रहे हैं? अरे हाँ, ये तो रोज मंदिर आके पोछा लगाते हैं, तभी तो इन पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, इतनी बड़ी कोठी और इतने रईस होने के बाद भी इनमें जरा भी घमंड नहीं है। इनके तो बच्चे भी काफी होना रहे हैं। भाई ऊपर वेल प्लेट समर्थ, वेल प्लेट। थैंक यू सर, तुमने मुझे बहुत इंप्रेस किया। यू आर सेलेक्टेड इन माय क्रिकेट टीम। थैंक यू सर। देखो, ग्राउंड में तो मैंने तुम्हारी स्किल देख ली, लेकिन ग्राउंड के बाद जब भी तुम्हें मौका मिले ना अपनी स्किल दिखाने का, तो मौका मत छोड़ना। यस सर। क्या हुआ समर्थ? सर मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है? हाँ। देख दीप्ति, वन थिंग इज क्लियर, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, सो इट्स बेटर कि तू मेरे रास्ते में ना आए। रास्ता नहीं, सीढ़ी। वो सिर्फ मेरी करियर की सीढ़ी है, मैं उस पर बस एक बार चढ़ जाऊँ ना तो फिर म्यान लेके डांस करना आई डोंट माइंड, यू नो। देख, तू मुझसे पंगा मत ले, समझी ना, वरना वरना क्या क्या कर लेगी तू मेरा। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, आओ। अरे आप मंदिर से घर नहीं आए, नाश्ता कब से तैयार है? रोशनी, वो आज एकादशी है ना, तो मैं सीधा मंदिर से ऑफिस निकल गया। एकादशी आज नहीं, कल है। कल भी है और आज भी, और दोनों ही दिन मेरा उपवास रहेगा। अरे इतने दिन उपवास रखोगे तो आपकी सेहत पर असर आएगा ना। अच्छा चलो, अभी देर हो रही है, मुझे ऑफिस निकलना है, बाय। ठीक है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? माँ नर्वसनेस तो है लेकिन एक्साइटेड भी हूँ, आपकी बेटी स्टार जो बनने वाली है। अच्छा। हाँ माँ, आपको पता है मुझे ना एक एल्बम में रोल मिला है, तो उसी के शूट के लिए कॉल आने वाला है।
हाँ मुझे ना आउट ऑफ टाउन जाना होगा, तो प्लीज पापा को कन्विंस कर लेना आप। कोई जरूरत नहीं है, और मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना, ये मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं चलेगी। पापा आप समर को क्रिकेटर बना सकते हो, तुम मुझे मॉडलिंग क्यों नहीं करने देते? जब देखो तुम ऐसा सौतेला वाला बिहेव करते रहते हो। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, अब देखना मैं शूट पे जरूर जाऊंगी। देखा, तुम्हारी वजह से बढ़ावा मिला है उसे। कैसे बात कर रही है मुझसे वो? अरे पर मैं दीप्ति, 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 अरे क्या हुआ समर? क्या हुआ? समर क्या हुआ तुझे? बैठ बैठ बैठ, कैसे हुआ? हाँ बेटा, ये सब चोट कैसे लगी है? बोल, हाँ ये सब कहाँ से? सर मैंने आपको कॉल किया था। सर मेरी स्टूडेंट दीप्ति और उसकी फैमिली यहीं पर रहती थी, लेकिन दीप्ति पिछले एक महीने से कॉलेज नहीं आ रही थी, तो मैंने उसका मालूम करने के लिए यहाँ पर आया। लेकिन लेकिन सर मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। मेन गेट खुला था और पुराने कुछ पेपर्स बिखरे हुए थे। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, हम देखते हैं। हाँ घर में और पूरा सर, सर घर में टोटल 5 लाशें हैं। एक लाश ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में, एक लिविंग रूम में, एक किचन में और 2 फर्स्ट फ्लोर पे। घर में 5 कत्ल हुए। सिर्फ कत्ल नहीं हुए, लोगों को बुरी तरह से जलाया गया। पूरे घर को अच्छे से चेक करो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ओके सर, बाहर पड़ोसी से बात करते हैं। दीप्ति जिस कॉलेज में पढ़ती थी मैं उसमें टीचर हूँ। उसका छोटा भाई CCP के स्कूल में पढ़ता था। इस घर में दीप्ति के अलावा उसकी दादी और उसके माता पिता रहते थे। घर के अंदर 5 लाशें मिली हुई हैं जो बुरी तरह से जली हुई हैं। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सर, ये घर हमारे मोहल्ले से काफी दूर है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ। दीप्ति के पेरेंट्स क्या करते थे? सर दीप्ति के पिता कुणाल जी एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी वाइफ हाउसवाइफ थी और उनकी माँ ने तो कुछ महीने पहले ही मौन व्रत धारण किया था। उनकी माँ तो हमेशा भगवान के नाम जपती रहती थी सर। प्यारे की भी आत्मा होती है, उसके रंग ढंग, उसकी भी आदतें होती हैं, जिसे समझना। सर देख के तो ऐसे लग रहा है कि घर में लूटपाट की गई है। अजीब बात यह कि घर में कहीं भी किसी भी मेंबर का फोटो नहीं है और एल्बम से फोटो भी गायब है। अगर ये सारे कत्ल लूट के इरादे से किए गए हैं तो सवाल ये है कि एल्बम से फोटो किसने गायब की है? और दूसरी बात, मारने के बाद लाशों को इतनी बुरी तरह से जलाया क्यों गया? 5 कत्ल हुए और मरने वालों की फोटो गायब है, कुछ तो अजीब हुआ इस घर में। दुनिया में कई लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। उनकी यादें और विचार ही नहीं, उनकी तस्वीरें और मूर्तियां भी प्रदर्शनियों की शान बन जाती हैं। लेकिन ये कातिल कौन था जिसने मरने वालों का अस्तित्व ही नहीं, उनके स्मृति चिन्ह भी गायब कर दिए थे? ये कातिल की सनक थी या कोई योजना जिसने मरने वालों के फोटोज भी गायब कर दिए?
और मीडिया ने पुलिस पर इतना प्रेशर डाल दिया कि वो अंधेरे में तीर छोड़ने लगी। इलाके के कई लुटेरे गिरोह और हिस्ट्री शीटर से सलाखें भरने लगी। पुलिस की लाठियां गरजती रही। टीवी की खबरों और अखबारों की सुर्खियों ने इस केस को एक ऐसा फिल्मी ट्रेलर और टीजर बना दिया कि मानो लगने लगा ये दशक का सबसे बड़ा केस था। जी सर, आई नो सर के जुर्म बहुत संगीन है। सर, हम कातिलों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड आई अश्योर यू, कातिल जो भी है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। ओके सर, जय। एसपी सर ने 2 हफ्ते का वक्त दिया और इन 14 दिनों के अंदर अंदर हमें शर्मा फैमिली के कातिलों को ढूंढकर सलाखों के पीछे डालना। हम यहाँ कातिलों को ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन मीडिया ने इस केस को मास सुसाइड का रंग दे दिया। उनके आर्टिकल के मुताबिक शर्मा फैमिली एक धार्मिक फैमिली थी और किसी अंधविश्वास के चलते इन सब ने मिलकर आत्महत्या कर ली। और तो और सर, मीडिया इस केस को हैदराबाद वाली फैमिली के केस से भी जोड़ रही है। इट्स ऑल रबिश। अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड करने के बाद कोई खुद को कैसे चला सकता है? फिर पता करो, क्या शर्मा फैमिली किसी बाबा या तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में थी? यस सर। कुणाल किस ऑफिस में काम करता था कुछ पता चला? जी सर, विश्वा कंस्ट्रक्शन। कुणाल के ऑफिस, दीप्ति के कॉलेज और स्मार्ट के स्कूल, सब जगह पता करो और इनके रिश्तेदारों से मिलो। अभी तक इन 5 विक्टिम में से हमारे पास किसी की तस्वीर तक नहीं। गाइस, लग जाओ, लेट्स क्रैक दिस केस। यस सर। इतना चुप चुप क्यों है? ऐसा लग रहा है डेट पे नहीं ध्यान शिविर में आए। दीप्ति, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में डर लग रहा है। तुम्हें पता है तुमने 60 साल में शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम अपने हर अफेयर से ऐसे दूर भागते रहे। लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी मेरी उम्र भी तो देखो। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें इतनी जवान बीवी मिल रही है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना जायदाद, मुझसे बेहतर कौन संभाल सकता है? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको चीट करके भागने वाली हूँ? हाँ सर, कुणाल शर्मा हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। मुझे बहुत बुरा लगा जब पता चला कि वो और उनकी फैमिली। कौन होगा जिसने कुणाल और उसकी फैमिली के साथ ऐसा किया? आई मीन कोई झगड़ा या ऑफिस में कोई बिजनेस राइवलरी? नहीं सर, इनफैक्ट उन्होंने तो 3 महीने पहले से ही ऑफिस आना बंद कर दिया था। क्यों? सर, करीब 3 महीने पहले एक आदमी ऑफिस आया था, उसका कुणाल सर के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। बहुत हो गया तेरा, आज तुझे तेरे स्टाफ के सामने जलील करूंगा। सतीश, तुम समझ में आएगा तेरे को? चल सतीश, निकल। क्या कर रहे तुम? पकड़ो, अरे हटाओ से। ईशु प्यार, कुणाल ने कोई भी पुलिस कंप्लेंट क्यों की? सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं, उसके बाद वो कभी ऑफिस नहीं आया। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद वो आदमी फिर ऑफिस आया था और ऑफिस के रिकॉर्ड से कुणाल सर के घर का पता मालूम करना चाहता था, लेकिन हमने उसे एंटरटेन नहीं किया सर। अच्छा, आपके ऑफिस के रिकॉर्ड में कुणाल की कोई तस्वीर होगी? हाँ सर, उनकी जॉइनिंग टाइम की कोई फोटो जरूर रिकॉर्ड में होगी। मुझे वो तस्वीर चाहिए, और वो जो 3 महीने पहले आदमी आया था कुणाल से झगड़ा करने, आप उसका स्केच बनवा सकते हैं? सर, कॉलेज रिकॉर्ड्स में दीप्ति का यही फोटो है। दीप्ति, उसकी फैमिली का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? सर, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बात है सर, जब दीप्ति कॉलेज नहीं आ रही थी तो मैंने उसकी फ्रेंड नताशा से इस बारे में पूछा था, तो उसने कहा कि शायद दीप्ति और उसके परिवार वाले कहीं घूमने गए होंगे, इसलिए दीप्ति कॉलेज नहीं आ रही। लेकिन उन सबका तो मर्डर हुआ है, तो फिर नताशा ने ऐसा क्यों कहा कि वो लोग घूमने गए? सर, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। वैसे दोनों की आपस में बनती रही थी, कुछ दिन पहले क्लासरूम में दोनों का झगड़ा भी हुआ था। तो कहाँ थी तू? नहीं, मैं तो यहीं थी। तू मेरे पापा के कान भर के मेरा पत्ता साफ करना चाहती है? कुछ भी नहीं। इस झगड़े की वजह क्या थी? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन हाँ, दीप्ति और नताशा दोनों पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी अपना किस्मत आजमा रही थी, और दीप्ति के पिताजी को दीप्ति का मॉडलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सर, समर्थ हमारी स्कूल टीम का सबसे अच्छा बैट्समैन था, हमारी स्कूल टीम का कैप्टन भी सेलेक्ट हुआ था। लेकिन समर्थ ने स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया, आपकी टीम का कैप्टन एब्सेंट था, और आपने और आपके स्कूल ने जानने की कोशिश नहीं की कि? सर, एक्चुअली समर्थ ने कुछ टाइम पहले ही अपनी सिक लीव ली थी। क्यों, क्या हुआ था उसको? सर, शायद उसे फीवर था, इसलिए आखिर में हमें हमारा स्क्वाड भी चेंज करना पड़ा।
मेरे और दीप्ति के बीच में झगड़े होते रहते थे, लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त थे और दोस्तों में तो ये सब होता रहता है ना। लेकिन जब दीप्ति लगातार कॉलेज नहीं आ रही थी तो तुमने अपने टीचर से ऐसा क्यों बोला कि दीप्ति और उसकी फैमिली कहीं बाहर घूमने के लिए गए, जबकि ये तो पता ही होगा ना तुम्हें कि उन सबकी लाशें मिली उनके घर में। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि वो लोग घूमने गए थे। तो तुम्हारे टीचर हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हारे टीचर ने हमसे यही कहा कि तुमने ऐसा ही कहा उन्हें। नताशा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो? सर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता कि संदीप सर आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। और नताशा कह रही है कि संदीप ने उस पर जानबूझकर शक जताया था। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि नताशा भी हमसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि मैंने बाकी स्टूडेंट से बात की, उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि दीप्ति और नताशा एक ही लड़के से प्यार करती हैं। लव ट्रायंगल? मे बी सर, बट वो लड़का कौन है ये पता नहीं चल रहा है। तो पता करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत के चक्कर बड़े बड़े गुनाहों को जन्म देते हैं। हो सकता है शर्मा फैमिली का कत्ल भी इसी वजह से हो, और नताशा संदीप दोनों पर नजर रखो। हाँ सिंह। सर ये उस आदमी का स्केच जिसने 3 महीने पहले कुणाल के साथ मारपीट की थी, और सर ये पूरी फैमिली मेंबर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। ठीक है मनीष। सर लुक एट दिस रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा फैमिली के सभी मेंबर्स का कत्ल लाश मिलने के 1 महीने पहले हो चुका था। इसका मतलब सर उस घर में 1 महीने से लाशें पड़ी हुई थी और किसी को कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि नेबर्स को भी नहीं। उनको भी तब पता चला कि जब दीप्ति के टीचर ने वहाँ पे आके इन्फॉर्म किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नेबर्स भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मुमकिन है, क्योंकि यहाँ मर्डर्स नहीं, सबको शूट किया गया, पूरी तरह से जलाया गया। अब इतना तो साफ है कि मास सुसाइड तो नहीं, और ना ही इन मौतों की वजह कोई अंधविश्वास। दीज आर ऑल मर्डर्स, ब्रूटल मर्डर्स। इस फैमिली का किसी तांत्रिक बाबा से भी कोई कनेक्शन नहीं मिला है, ऐसा कौन हो सकता है सर जिसने इन सबको इतनी बुरी तरह से जला के मार दिया, इनके फोटो तक वहाँ से गायब कर दिए। कातिल जो भी है उसे ढूंढना तो है, और हम ढूंढेंगे उसे। उसकी आंखों के दोनों किनारों से नाक की चोंच तक करीब 43 डिग्री का एंगल है, लेकिन वेट लूज या गेन करने के बाद ये एंगल 43 से 41 डिग्री तक कम हो सकता है। नाक की लंबाई 13 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन ऊपर का होठ नीचे के होठ से 10% कम मोटा होगा। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरे करीब क्यों आए? मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया और आप ऐसी शादी करने से मना कर रहे हैं। बिंती देख, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, बात यह है कि कौन है? दीप्ति और समर्थ के अलावा समर्थ की माँ की फोटो समर्थ के स्कूल से मिली है, लेकिन कुणाल की माँ उमा की फोटो कहीं से भी नहीं मिल रही है। उनकी तस्वीर कहाँ से मिल सकती है? कुणाल का वो मकान पुश्ताने मकान तो रजिस्टर ऑफिस में कॉन्टेक्ट करो, हो सकता है प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड पेपर में उनकी तस्वीर मिल जाए। और रोशनी के मायके के बारे में कुछ पता चला? सर आस पड़ोस की दो औरतों ने रोशनी के मायके के बारे में दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए। रोशनी दीदी शायद आगरा की रहने वाली थी, लेकिन आगरा में कहाँ की ये नहीं मालूम। लेकिन रोशनी दीदी आगरा की कैसे हो सकती है? उन्होंने तो मुझे बोला था कि वो कानपुर की रहने वाली है। लेकिन रोशनी ने पड़ोसियों को दो अलग अलग मायके के बारे में क्यों बताया होगा? सर समर्थ के स्कूल से पता चला है कि उसने सिकलीव ली थी, लेकिन मैंने शर्मा फैमिली के डॉक्टर से बात की तो उसने बताया कि उसे बुखार नहीं हुआ था बल्कि वो सोडोमी का शिकार हुआ था। What? और ये किसने किया था? सर फैमिली ने तो डॉक्टर को कुछ नहीं बताया था। जाहिर सी बात है ये घिनौनी हरकत समर्थ के फ्रेंड सर्कल या स्कूल में से किसी ने की होगी। एक एक से ठीक से पूछताछ करो। सर तुम घर जाओ, कहीं तुम्हारे पापा को फिर से मालूम पड़ गया तो वो। मैं उनसे डरती नहीं हूँ और आपको भी डरना नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, उठिए, पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे। उठिए। क्या? मैं तुम्हारी मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहता। ये मुसीबतें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम शादी नहीं कर लेते। शादी? इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ मैं आप ही से शादी करूंगी, वरना मरना मंजूर है मुझे, मैं सुसाइड कर लूंगी। शादी मैं आप ही से करूंगी। हाँ क्या बात है, क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे बेटे से? प्लीज हमें बच्चे से बात करने दीजिए। रोहन,
हमें पता चला कि तुमने समर्थ के खिलाफ कंप्लेंट करवाई थी कि उसने हॉकी मार के तुम्हारी टांग तोड़ दी थी। हाँ सर, उसने मेरी टांग तोड़ी थी ताकि मैं इंजर्ड हो जाऊं और वो मेरी जगह टीम का कैप्टन बन जाए। और फिर तुमने उसके साथ में क्या किया कि वो स्कूल के टूर्नामेंट में खेल ही नहीं पाया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। समर्थ सोडोमी का शिकार हुआ है। अगर हमें पता चला कि तुमने उसके साथ में ये क्या बोल रहे हो आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा समर्थ के साथ। सर मैंने रोशनी के मायके का पता करने की कोशिश की थी। मैंने रोशनी की डिटेल्स कानपुर और आगरा पुलिस से शेयर की थी, तो आगरा के कांस्टेबल ने रोशनी को तुरंत आइडेंटिफाई किया। उसने बताया कि रोशनी पहले आगरा के एक नामी बिजनेसमैन विशाल की बीवी हुआ करते थे। और या सर, तकरीबन 14 साल पहले रोशनी ने विशाल के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। दोनों में डिवोर्स हो गया और उसके बाद रोशनी ने कुणाल से शादी कर ली। रोशनी और विशाल का डिवोर्स हुआ 14 साल पहले और स्कूल रिकॉर्ड्स के मुताबिक दीप्ति की उम्र है 16 से 17 साल। मतलब दीप्ति कुणाल और रोशनी की बेटी तो नहीं? राइट सर, दीप्ति विशाल की बेटी थी और ये कुणाल विशाल का बिजनेस पार्टनर भी हुआ करता था। और चौंकाने वाली बात यह सर कि आगरा पुलिस का कहना है कि कुणाल विशाल के बिजनेस के साथ साथ उसकी बीवी और उसकी बेटी को भी भगा ले गया। इस लिहाज से तो विशाल का स्ट्रांग मोटिव है सर। तुम कह रहे हो कि 14 साल बाद इस विशाल ने कुणाल और रोशनी से बदला लिया? स्केच वाला आदमी कौन था जिसने 3 महीने पहले कुणाल को उसके ऑफिस में जाकर पीटा था? इस विशाल के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। क्या कर रही हो? ओफो, शादी हुई हमारी, अब किस बात का डर? नहीं नहीं, मैं वो जरा लगता है फर्स्ट नाइट की नर्वसनेस है, मैं भी दूर कर देती हूँ। लेट्स प्ले अ गेम। रोशनी का पहला पति विशाल आगरा से गायब है सर, इसका फोन भी बंद है। तो क्या वाकई विशाल इस क्राइम में इन्वॉल्व? मालूम करो ये कहाँ गायब है। जी सर, और एक बात, मैं रजिस्ट्रार से मिला तो पता चला कि कुणाल का घर 2 महीने पहले इसकी बीवी रोशनी के नाम पे हो गया। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि कुणाल का वो घर तो पुश्तैनी घर, तो कुणाल की माँ के रहते हुए वो घर उसकी बीवी के नाम कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं सर, वो घर फास्ट कैपिटल नाम की फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा हुआ है। रोशनी ने उस घर पर 50 लाख का मॉर्गेज लोन लिया था, वो पैसा उसके अकाउंट में आया और 3-4 दिन के बाद ये सारा पैसा विड्रॉ कर लिया गया। कहीं ये पूरी फैमिली किसी धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हुए? सर अमित, सर समर्थ को किसने मॉलेस्ट किया था इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस कोच रावत का एक पुराना इतिहास पता चला है। 2 साल पहले ये गुड़गांव के गर्ल्स कॉलेज में कोच हुआ करता था, वहां पर कई लड़कियों ने इस पर मॉलेस्टेशन के चार्ज लगाए। सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने कुछ, सर सर बोल, चुप क्यों हो गए? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया क्या नहीं किया, तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने। सिर्फ समर्थ ही नहीं, तेरे स्कूल का एक और लड़का है रोहन, उसे भी तुमने कैप्टन बनाने का झांसा दिया था ना। सिर्फ ये 2 ही नहीं, और भी बच्चे होंगे, अब तेरे सारे कान बाहर आएंगे। नहीं सर, रोहन झूठ बोल रहा है सर, बल्कि सर मैंने नहीं, रोहन ने समर्थ को मॉलिश किया है। रोहन छोड़ दे, निकला सर निकला। तो रोहन के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सर वो रोहन का बाप बहुत पावरफुल है सर, सर वो समर्थ पे तब से खुंदक खा के बैठा है जब समर्थ ने रोहन की टांग तोड़ी थी। सर,
मेरी बेटी के साथ रेप किया तूने, बहुत लंबा अंदर जाएगा तू। बिंदी, बिंदी, ये क्या है? ऐसे क्या देख रहा है बुड्ढे? तूने मुझे पहचानने में ना गलती कर दी। अब एक काम कर, अपनी सारी धन दौलत और प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पे कर दे, वरना मैं तुझे रेप के चार्जेस में फंसा दूंगा। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मैंने तुम्हें प्यार किया और तुम इसे तो हार्ट अटैक आ गया। अब क्या करें इसका? हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो चलो। मुझे पता चला कि आप मुझे आगरा में ढूंढ रहे हैं। मैं लखनऊ गया हुआ था किसी काम से। बताइए क्या बात है? रोशनी आपकी बीवी थी। मुझे पता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं रोशनी से नफरत करता था, और केवल रोशनी से ही नहीं, कुणाल से भी नफरत करता था। कुणाल और रोशनी के साथ मेरी बेटी दीप्ति भी रहती थी। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? और दीप्ति को खोकर मैं पहले से ही सत्ते में था। उस रोशनी ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। इन पिछले 14 सालों में आप कभी भी अपनी बेटी दीप्ति से मिले थे? दीप्ति से तो क्या, मैं कुणाल और रोशनी से भी इन 14 सालों में कभी नहीं मिला। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लोग रहते कहाँ पर। एग्जैक्टली, यही पता करने के लिए तो इस आदमी को भेजा था कुणाल के ऑफिस में। इनफ इंस्पेक्टर, अगर आपके पास कोई सबूत हो ना तो मुझसे बात कीजिएगा। मेरा किसी क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। फिलहाल जा सकते हो, लेकिन याद रखना, गायब होने की गलती मत करना वरना पछताओगा। नजर रखो इस पे, शर्मा फैमिली का कत्ल 8 बोर की पिस्टल से हुआ था। पता करो इसके जानने वालों में कौन ऐसा है जिसे 8 बोर की पिस्टल प्रोवाइड करवा सकता है। सर, हाँ कर रहा हूं तुम्हारा काम, अभी फोन काटो, मेरा ध्यान टूटता है। ये फाइल अभी भिजवा दो। यस सर। कुणाल को जिस आदमी ने ऑफिस में जाकर पीटा था, फरीदाबाद थाने से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। सतीश जोगी नाम है इसका, ड्रग पेडलिंग के जुर्म में अरेस्ट भी हो चुका है। सतीश जोगी कहाँ है आजकल? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर तूने कुछ नहीं किया? हाँ तो कुणाल के ऑफिस में जाकर उसे धमकाता क्यों था? उसके साथ झगड़ा क्यों करता था? और तू कुणाल का एड्रेस क्यों पता कर रहा था? क्या नफरत थी तेरी उससे? कोई नफरत नहीं थी सर मेरी उससे। कुणाल एक इवेंट ऑर्गेनाइज वाली कंपनी शुरू करने वाला था, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था मैंने, मेरा शेयर लगा था उसमें। लेकिन फिर ड्रग के केस में मैं अंदर चला गया, और बाहर आने पर कुणाल मुझसे पल्ला झाड़ने लगा। देख सतीश, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू गलत धंधा करता था तो मैं कभी भी तुझसे उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करवाता। और वैसे भी तेरे अंदर होते ही मैंने उस इवेंट कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। अरे लेकिन पैसा तो मैंने लगाया ना उस कंपनी में, वो कौन देगा? हाँ तो दे दूंगा, वैसे भी मैं पाप की कमाई नहीं रखता हूँ। कुणाल तेरे पैसे नहीं दे रहा था इसलिए तूने कुणाल और उसकी पूरी फैमिली को। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर ये सतीश जोगी भी कुछ नहीं उगल रहा है। हाँ लेकिन ये बोल रहा है कि कुणाल इवेंट कंपनी खोलने वाला था, कुणाल विशाल का बिजनेस पार्टनर भी था और इतनी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। फिर भी जब कुणाल ने अपना पुश्तैनी मकान अपनी बीवी रोशनी का नाम किया तो रोशनी ने वह मकान गिरवी रखा और 50 लाख का लोन उठाया। लोन की रकम गायब, ये सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा है। सर हम दीप्ति की दोस्त नताशा पर नजर बनाए हुए हैं, वो अक्सर इस योगेश नाम के लड़के से मिला करती है। सर ये योगेश एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है, साकेत में ऑफिस है इसका। पता चला है कि दीप्ति अक्सर इसके साकेत वाले ऑफिस में जाया करती थी। तो कैसे योगेश ने दीप्ति को झांसा दिया होगा? बस योगेश और नताशा की दोस्ती का क्या राज? सर ये योगेश दीप्ति को अक्सर एक होटल में ले जाया करता है, और इसके अलावा भी इसके कई लड़कियों से अफेयर। सर मैं मानता हूँ कि मैंने दीप्ति को एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिलवाया था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली मारी गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है सर? तो क्या करता है, सब पता कर लिया हमने। तो ये बताओ कि 16 सितंबर को दीप्ति को होटल में क्यों बुलाया था? लो ड्रिंक लो और आराम से बैठो, डायरेक्टर साहब आते ही होंगे अभी। मैं देखता हूँ।
अच्छा कर रहा मेरी बेटी के साथ? कौन है? पापा। चुप कर तू। तो जानते नहीं ऐसे लड़कों को, मैं अच्छे से जानता हूँ। बोल कैमरा कहाँ लगा रखा है? अरे अंकल, बोल। अंकल क्या कर रहे हैं? कैमरा कहाँ लगा रखा है तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। होटल के स्टाफ ने सब बता दिया, दीप्ति के फादर कुणाल तुझे अंदर करवाने वाले थे, इसलिए तूने उनकी पूरी फैमिली को। सर ऐसा नहीं है, उल्टा सर दीप्ति के फादर को भी मुझे लेकर गलतफहमी थी। सर नताशा ने दीप्ति के फादर को वहाँ भेजा था उसे एल्बम से निकलवाने के लिए, ताकि उसका खुद का चांस लग जाए, और इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ था सर। कल कहाँ थी तू? नहीं मैं तो यहीं थी। तू मेरे पापा के कान भर के मेरा पता साफ करना चाहती है? दीप्ति मैंने कभी ऐसा नहीं। मुझे तो सिर्फ मॉडल से मतलब था, दीप्ति के फादर उसे रोक रहे थे इसलिए वो रोल में नताशा को दिलवा रहा था। रोल दिलवा रहे थे या? सर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रिलेशन में थी, लेकिन सर दीप्ति से उसके बहुत चिढ़ थी, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। ये योगेश बहुत पहुंची हुई चीज है सर, इसकी बात का भरोसा नहीं कर सकते। नताशा एक टीनेजर गर्ल है, इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती हो? इसकी उम्र पे मत जाओ, ये आजकल के टीनेजर बच्चे जेलसी वेलसी के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। मत भूलो इसका गलत आदमी से कनेक्शन था, और इसने अपने टीचर संदीप पे भी शक जताया था। सर हमें हमारी खबरियों से इस हिस्ट्री चीटर तेजस्वी के बारे में मालूम चला है। ये इलीगल आर्म डीलिंग के धंधे में आगरा का रहने वाला है। आगरा? विशाल भी आगरा का रहने वाला है? इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन हमारी खबरें श्योर है कि जिस तरीके की पिस्टल से शर्मा फैमिली के मेंबर्स को मारा गया था, वैसी पिस्टल ये तेजस्वी सप्लाई कर सकता है। और सर ये काफी टाइम से अंडरग्राउंड भी। पता करो कहाँ अंडरग्राउंड है। अभिशाल को बुलाओ, इस बार जरा उससे अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी। सर मैं किसी तेजस्वी को नहीं जानता, और अगर वो आगरा का रहने वाला है तो क्या वो मेरा आदमी हो गया? आगरा में आपके कामों की पूरी फहरिस्त है हमारे पास, सारे कारनामे जानते हैं। काम तो प्रॉपर्टी डीलर का है, लेकिन प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए गुंडे भेजते हो ना? कौन से गुंडे? और कोई सबूत है आपके पास? कहाँ है मेरा बेटा? आप लोग मेरे बेटे को उठा के लाए हो ना? क्या बोल रहे हैं? कहाँ है मेरा बेटा? झूठ मत बोलो, मुझे पता है मेरा बेटा। एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? झूठ मत बोलो, मुझे पता है। आराम से बात करें आप, आराम से बात कीजिए। अंदर क्यों उठा के लाओ मेरे बेटे को? बड़ापन क्या हुआ? एक तो गलत तरीके से मेरे बेटे को गायब कर दिया, और झूठा रिमांड लेकर के उसे गुनाह कबूल करवाना चाहते हैं। आपको गलत है? कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे पता है मेरा बेटा अंदर है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं मीडिया में जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, बता रहा हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं मीडिया में जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। पक्का ड्रामा कर रहा है, इसी ने अपने बेटे को गायब किया होगा। पता करो रोहन का। ओके सर। सर वो झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं हम पे। सर मुझे तो शक है कि सर 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 प्लीज सर प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए सर, वी आर वेरी क्लोज सर। ओके सर, चैन सर। सर उस रोन का कहीं पता नहीं चल रहा सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और ना ही उस इलीगल आर्म डीलर तेजस्वी का। अब ये केस हमारे हाथ से निकल चुका है। एसपी सर का फोन था, उनका कहना है कि अब इस केस को एसआईटी सॉल्व करेगी। वी आर नो मोर इन दिस केस। इस केस की जांच के लिए सिर्फ एसआईटी का गठन ही नहीं हुआ, बाद में सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी इस केस में आई थी, लेकिन जांच का दायरा कभी नहीं बदला। पहली जांच में सामने आए सस्पेक्ट्स दूसरी और तीसरी जांच में बढ़ जरूर गए, लेकिन असली गुनहगार को कभी कोई जीरो डाउन नहीं कर पाया। धीरे धीरे ये केस बिना किसी नतीजे के ठंडे बस्ते में चला गया। ये केस साल 2000 में आया था, और साल 2019-20 आते आते इस केस को हर कोई भूल चुका था, लेकिन इस केस को अब एक नई शोहरत मिलने वाली थी। जिस सरगर्मी से ये केस 20 साल पहले शुरू हुआ था, उतनी ही गर्मजोशी से इस केस का 20 साल बाद फिर से एक नया आगाज होने वाला था। अरे भाई क्या कर रही हो मधु? आपको तो अपनी ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं है, हर साल कहते हैं घुमाने लेकर जाएंगे, लेकिन लेके जाते ही नहीं है, इसलिए हमारे पुराने ट्रिप की फोटोज देख रही हूँ। चलो भाई अच्छा ही है कि
तुम तो पुरानी यादें संभाल रही हो। एक मिनट, क्या हुआ मधु? हम जैसलमेर तो 2002 में गए थे ना। हाँ, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, आके बताता हूँ। हेलो जैन सर। सर मैं अमर सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ अमर, बड़े सालों बाद फोन किया। सर आपको शर्मा फैमिली वाला वो केस याद है जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स को मार के जला दिया गया था? हाँ ऑफ कोर्स याद है, बात क्या है? सर अगर आप उस केस को रीओपन करवा सकते हैं तो प्लीज करवाइए सर, मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीड मिला है। ओके। रमा, ये सरिता जी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस केस पर बड़ी तफसील से काम किया। सर अब अगर ये हमारे शो में आएंगी तो हमारे शो की एनर्जी बिल्कुल अलग ही हो जाएगी। होप सो। लेकिन स्कल्प्टर सर, ये संतराज शब्दों को शक्ल देने में माहिर। सरिता जी। सर मेरी ब्रीफिंग तैयार है, इस केस को स्टडी करने के बाद जितना मैं क्रिमिनल की मनोदशा को समझ पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग क्राइम करने के बाद वो अगर गायब भी हुआ होगा तो तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं रह रहा होगा, और मौजूदा वक्त में वो कैसा दिखता है इसका भी मैंने ब्रीफ रेडी कर लिया। लेकिन आपके शब्दों को शक्ल देने के लिए मुझे वक्त लगेगा, आपके पास जो भी ब्रीफ तैयार है रिकॉर्ड करके दे दीजिए। जी। कितना वक्त लगेगा? कह नहीं सकता, कलाकार कल कल करते हुए सदियां बिता देता है और कलाकृति बनती नहीं। कलाकार साहब आपके पास वक्त की कमी नहीं होगी, पर हम कानून के रखवाले हैं, हमें इंसाफ दिलाना होता है। ये शो अगले 14 दिनों में टेलीकास्ट होगा, तब तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। जी। हम आज हमारे शो में पहली बार लाइव आकर एक क्रिमिनल की तलाश करने वाले हैं, ऐसा आज तक पहले किसी क्राइम शो में नहीं हुआ है। और हमारी आज की स्पेशल गेस्ट हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट सरिता सचदेवा जी, जिन्होंने 20 साल पहले गायब हुए एक क्रिमिनल की ऐसी रूखरेखा तैयार करी है जिसे हमारे स्कल्प्टर संतराज जी ने एक मूर्ति में गढ़ा है। इसके पीछे उसी क्रिमिनल का चेहरा छुपा है जो 20 साल पहले हुए शर्मा फैमिली मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट है। एक मिनट, यह अभी पूरा नहीं हुआ है संतराज जी। जैसी इस क्रिमिनल की मनोदशा थी आज 20 साल के बाद, वो अपनी आई साइड लूज कर चुका होगा, वो स्पेक्स पहनता होगा। नहीं, उस माइंडसेट वाला क्रिमिनल इस तरह का फ्रेम कभी यूज नहीं करेगा, वो ब्लैक थिक फ्रेम यूज करेगा। परफेक्ट। ध्यान से देखिए, यही है वो क्रिमिनल जो शायद आजकल आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले या सोसाइटी में या ऑफिस में हो। अगर आपने ऐसे दिखने वाले किसी भी शख्स को कहीं देखा है या जानते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हेलो, आपने शो में जिस आदमी की मूर्ति दिखाई है वैसे ही एक आदमी को मैं जानती हूँ। सर वो धोखेबाज ही रहता है। मुकुंद श्रीवास्तव और कुणाल शर्मा, बहुत लंबा इंतजार करवाया तूने, 20 साल। 20 साल पहले अगर डीएनए प्रोफाइलिंग कर पाना मुमकिन होता तो ये केस 20 साल तक अनसॉल्व ना रहता। खैर, उन 5 बॉडीज के रिमेन्स आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, उनमें से तुम्हारी माँ उमा जी के डीएनए को तुम्हारे डीएनए से मैच करके देखें, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उम्र के आखिरी पड़ाव में हो, बोलो सच क्या है? मैं बहुत बड़ा रईस बनना चाहता था, बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी मैं कई बिजनेस करना चाहता था, इसलिए मैं अपना सेविंग्स को कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता या कभी किसी नए बिजनेस में
लेकिन मेरा पैसा डूबता ही चला गया। बहुत बड़े कर्ज में आ गया मैं। कहीं लेनदार मेरे कर्ज की वजह से मेरा घर ना हड़प लें, इसलिए घबरा कर मैं घर अपनी बीवी के नाम कर दिया मैंने। और तुम्हारी बीवी रोशनी ने उस घर को गिरवी रखकर 50 लाख का लोन लिया था, वो लोन की रकम कहाँ गई? उसी 50 लाख से मैंने अपना काफ़ी कर्ज चुकाया, लेकिन फिर भी काफ़ी कर्ज बचा रह गया। मैं बहुत तंग हो गया था। मैंने सोचा कहीं मेरी वजह से मेरे परिवार की खुशहाली न छिन जाए, वो सड़क पे ना आ जाए। तभी मैंने फैसला किया कि मैं अपने परिवार को मार दूँ, तो कम से कम ऊपर वाला उन्हें स्वर्ग तो देगा। और उन्हें मारने के लिए तूने पिस्तौल तेजस्वी से खरीदी थी? मैं विशाल के साथ काम करता था, तभी मेरी मुलाकात तेजस्वी से हुई थी। हत्या से 15 दिन पहले तेजस्वी ने मेरे लिए पिस्तौल का इंतजाम किया था। कैसे? ये क्या, ये तो आधे पैसे हैं। 15 दिन के बाद बाकी का भी दे दूंगा, फिलहाल इतना ही। फिर 15 दिन बाद तेजस्वी मुझसे पैसे लेने आने वाला था। मैंने तय किया कि उसी दिन मैं अपने परिवार को। तो तूने अपनी जगह तेजस्वी को मार दी? हाँ, मैंने एक एक कर सारी लाशें जला दी और खून साफ करके घर में मौजूद सारी फोटोएं लेकर के मैं भाग गया। जगह जगह मैं बहुत भटका। आखिरकार मैंने अपनी नई पहचान बना ली, मुकुंद श्रीवास्तव। मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और साइड में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वहीं से मेरी किस्मत का चक्का चल पड़ा, लेकिन मैं अकेला था। विनती आई मेरी पत्नी, लेकिन उससे मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार था, इसलिए मुझे पकड़वाया। बहुत कमीनी थी वो। सबसे बड़ा कमीना तो तू है, कमीना और खुदगर्ज, जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, अपनी बीवी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। सिर्फ मारा ही नहीं, उन्हें पूरी तरह से जला दिया। तेरे बाप इतने घिनौने हैं ना, तुझे नर्क से भी धक्के मारकर बाहर निकला जाएगा। क्यों, मिलेगा? मुझे भी स्वर्ग मिलेगा, और मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां मुझे मेरा परिवार मिलेगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब मिलेगी मुझे वहां। क्यों नहीं मिलेगी? स्वर्ग की कल्पना हो या एक बेहतर जीवन के सपने, हम अक्सर आने वाले कल को अपने आज से बेहतर बनाना चाहते हैं। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा। माना हमें अपनी उम्मीदें हमेशा जिंदा रखनी चाहिए, लेकिन किसी और को नाउम्मीद करके, किसी और की खुशियां रौंद के, उनकी लाशें बिछा के, हम कभी किसी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। गुनाह की अंधी गली में आगे कोई मकाम नहीं होता, सिर्फ डेड एंड होता है, एक अंतहीन सजा होती है और कभी ना खत्म होने वाला आत्मविलाप होता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या ही? हेमंत देख, मुझे फंसाया जा रहा है। कौन फंसाएगा तुझे ब्रिज? हेमंत, ब्रिज गरीबों को ऑपरेशंस करते थे रात में, वो भी फ्री में, ये बात तो आपको पता ही है। राइवल ऑपरेशंस क्लिनिक वालों को तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। देखिए मीना भाभी, अच्छी तरह समझता हूँ ये सारी बातें मैं, लेकिन अब हकीकत ये है कि इसके ऊपर केस हो चुका है, और तो और इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया है। देख, जैसे बेल मिल चुकी है वैसे लाइसेंस भी मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। जब तक तेरा लाइसेंस वापस मिलेगा तब तक मैं अपना क्लिनिक बंद करके बैठ जाऊं क्या? लोग हम डॉक्टर्स को भगवान की तरह मानते हैं, दैट इज अ बिग डील ब्रिज। आई एम सॉरी ब्रिज, मुझे अब तेरे साथ ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी होगी। ब्रिज, तेरा नाम खराब हो चुका है, इसलिए अब तेरे साथ मैं अपने क्लिनिक का नाम और एसोसिएट नहीं कर सकता। हेमंत, तू ये सही नहीं कर रहा है। जिसने मेरे साथ गलत किया है सबको देख लूंगा। चलो जिया। पर पापा, मुझे स्वयं के साथ अभी थोड़ी देर और खेलना है। आज के बाद तू इस लड़के के साथ कभी नहीं खेलेगी, चल। पर पापा, मुझे पापा। शिवानी, शिवानी, फॉर्म किडनैप हो गया। कैसे? 10 लाख रुपए मांगे। 10 लाख?
बच्चा सही सलामत वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए कल रात तक तैयार रखना। तो हेलो ब्रिज, साले दिखा दी ना तूने अपनी औकात मेरे बेटे को किडनैप करके। क्या ए, ज्यादा नाटक मत कर तू। तूने मेरा क्लिनिक छोड़ने के लिए मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे। मैंने मना किया तो तूने मेरे बेटे को ही किडनैप कर लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख जैसी करनी वैसी भरनी, तुझे जो करना है वो कर ले। बस एक बात याद रखना, तेरी इस ईगो की वजह से तेरे परिवार वाले मारे ना जाए, और तेरे जैसों को ना पुलिस भी बचा नहीं सकती। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं आओ, फोन मत करिए, मुझे उन पे भरोसा नहीं है। पुलिस को फोन करिए। शिवानी नहीं नहीं नहीं, आप पैसे का अरेंजमेंट करिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए वापस। कुछ नहीं होगा हमारे साथ को। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक छोटी सी चींटी भी एक बड़े से हाथी को गिरा सकती है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई की बात एक बच्चे की किडनैपिंग तक पहुंच गई थी। वही दूसरी तरफ अगर किसी से कुछ कहा ना तो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के चक्कर में तुझे फंसा दूंगा। क्या था इन क्राइम्स की भूल भुलैया का राज और कितना शामिल थी पुलिस इन क्राइम्स में, आइए देखते हैं। सोहम, ये है मुस्तफा दादा, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड मेरे लिए? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे ताकि तुम फिर से किडनैप ना हो जाओ। हेलो सोहम। ऐसे करो पापा, ये असली है। हाँ बेटे। दादा मेरे को भी ऐसे बाइसेप्स बनाने हैं। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये सर। यस आहो, हमने सोहम की किडनैपिंग के बारे में पुलिस को ना बता के कहीं गलती तो नहीं कर दी? कोई जरूरत नहीं, असली क्रिमिनल ये पुलिस वाले ही होते हैं। निकलो मैं क्लिनिक ला। बेबी इतना क्यों टेंशन ले रही हो तुम? मैं हूं ना। ये मेरी फर्स्ट डेट है, बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, पेरेंट्स को पता चल गया तो? मैं हूं ना, तो नो गड़बड़, ओनली गुदगुदी। पुलिस। गॉड, ए बाहर पड़ा चला, लौकर। क्या करें साहब? सॉरी साहब, वो चूक जाली, वापस नहीं करूंगा ऐसा। अरे पन गलत है ना ये सब, तुम्हारे आई बाबा को पता है कि ये सब? नहीं नहीं सर, वो मेरा कॉलेज बंद करवा देंगे। ठीक है, तू बैठ अंदर, और तू पूरी तू चला हमचा बरोबर, जरा हमको प्राइवेट सेशन दे दे। साहब साहब क्या कर रहे हो तुम? फ्री में छोड़ेंगे क्या हम? चलेगा पोनी साहब, ये तो साहब लौकर साहब, ये तो लौकर ओपन साहब साहब। ए ए ये तो मर गया, मर गया, ये मार दिया साले को। ये क्या किया तुम लोगों ने? अपना मुंह बंद रख और चुपचाप अपने घर निकल। अगर किसी से कुछ कहा ना तो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के चक्कर में तुझे फंसा दूंगा। चल निकल। सर ये मेरा बेटा सचिन, कल रात से सर फोन बंद आ रहा है। पोस्टन जाने वाला था अगले हफ्ते, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स लोगों से मिल रहा था। रोज रात को घर लेट ही आता था, लेकिन कल दोपहर को गया तो उसके बाद आया ही नहीं। आपने उसके सभी फ्रेंड्स लोगों को फोन करके पूछा, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया। किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? नहीं सर, वो तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, तभी तो बोस्टन की इतनी बड़ी कंपनी से उसको कॉल आया था सर। गर्लफ्रेंड का चक्कर था? नहीं सर, मैंने कहा था उससे करियर पे ध्यान देना, इन सब मामलों में मत पड़ना।
नहीं आप डरिए मत, उसको ढूंढ के निकालेंगे। 50 से डिटेल्स ले लो। चलिए जाइए। शिरके इसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो, लास्ट कॉल लोकेशन और मोबाइल लोकेशन चेक करो, किससे बात की थी इसने भी पता करो। ट्रैफिक पुलिस वालों को इसका गाड़ी का नंबर देना और आसपास का हॉस्पिटल में पता करो कोई एक्सीडेंट केस आया है क्या। ठीक है सर। संधुर डर गया ना, मुस्तफा दादा ने दिया है। अच्छा तो अब हमें स्कूल में नहीं मिल पाएगा ना। नहीं अब होम स्कूल, पापा ने बोला कि किडनैप हुआ ना तो सेफ्टी के लिए स्कूल नहीं जाना। खड़े क्यों सब लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जूस पी लो। हाँ पुलिस से बाप को थोड़ा परहेज है इसलिए किडनैपिंग और आसान हो जाएगी। हाँ थोड़ा रुक कर देखते हैं क्या हो सकता है। आइए सर। पत्थर पर टकराने की वजह से मौत हुई है। अब समझ नहीं आ रहा है कि खुद गिरा है या फिर किसी ने सिर्फ जानबूझ के फेंका है। किसी ने कुछ देखा नहीं सर, ये एरिया काफी सुनसान है, मोस्टली कपल्स यहाँ पे प्राइवेसी के लिए आता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ देखा होगा तो बताएगा भी, और वैसे भी हमें इसकी बॉडी इसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से मिली। पेट्रोलिंग टीम यहाँ पे पेट्रोलिंग करने आई थी, उन्होंने बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। इसका लास्ट कॉल किसके साथ था सर? लास्ट कॉल सचिन का अपने दोस्त राजन को था। सचिन और राजन कल यानी कि आज लंच पे मिलने वाले थे। सचिन के पेरेंट्स ने उसके सारे दोस्तों के साथ बात की लेकिन उसको कुछ पता नहीं। सर गर्लफ्रेंड के बारे में दोस्तों को तो पता होता है लेकिन यहाँ तो उसके बारे में भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि इसको यहाँ किसी ने फंसा के लाया और बाद में मार दिया? हो सकता है सर। वैसे सर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है। हो सकता है कि इसकी किसी के साथ मारपीट हुई हो। सर लड़के अक्सर दारू पीकर झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सचिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ आया हो। सकता है, उसके फैमिली को बुला पहचान के लिए, और एक गाड़ी का नंबर ट्रैफिक पुलिस को देना और फॉरेंसिक टीम को बोलना अच्छी तरह से चेक करे। ठीक है सर। सर इसके दोस्तों से फिर से एक बार बात करो क्योंकि कल ये यहाँ किसके साथ आया था यह मालूम होना बहुत जरूरी है। मुस्तफा जी सब सही था ना, कोई अजीब एक्टिविटी तो नहीं थी? नहीं सर, मैंने आने जाने वाली सब कार्स बाइक्स पर नजर रखी थी, ऑल ओके। ठीक है तुम निकलो, कल सुबह 10 बजे तक आ जाना मेरे क्लिनिक निकलने से पहले। ओके गुड नाइट मैम। खाना तो खा लो। नहीं मैम वो दोस्त के साथ प्लान है। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, सब तैयार है ना? मेरी यूनिफॉर्म रख ली? ठीक है निकलता हूँ यहाँ से। सोम ने डिनर किया ना? अपने कमरे में ही कर लिया था, उसके दोस्त आए थे आज। आहू ये उसका स्कूल बंद करवाना सही है क्या? आई मीन वो बच्चा है, बिना दोस्त बिना रूटीन के मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कम से कम जिंदा तो रहेगा हमारा बेटा। हाँ क्या कह रहे हैं? शिवानी एक बार पहले किडनैप हो चुका है वो, अगर दूसरी बार हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती। सोहम हम दोनों की जिंदगी है। शिवानी तुम बेडरूम में चलो, मैं सब लॉक करके आता हूँ। सॉरी बेटा ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। सच्चू!
सचिन कल रात किसके साथ बाहर गया था कुछ पता है आपको? बताइए। सर, बोल के तो यही गया था कि अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अकी मालूम नहीं सर। उसका लैपटॉप लाए? जी सर। कहीं शिरकी उसका मोबाइल तो नहीं मिला? लैपटॉप आईटी डिपार्टमेंट को दे देना। आप जाइए, कुछ पता चलेगा तो बुलाएंगे आपको। मैंने इसलिए तुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, मुझे पता था तेरी फैमिली तेरी शादी किसी और के साथ पक्की कर देगी और तू मुझे छोड़ देगा। मोना देख, मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और अभी सारी बातें यूज़लेस हो चुकी है क्योंकि मैं शादी के लिए हाँ बोल चुका हूँ। मेरे साथ मजा करके शादी किसी और के साथ, क्या लगता है तुझे? मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगी? मोना बदतमीजी मत कर। कुठे जाता तुम्ही? अरे अभी तक हमारा चालान काटना बाकी है ना। सर, सर कितना लोग इसमें? पुलिस को रिश्वत देता है? हाँ? साहेब जा तुम्हें। पहले मम्मी पापा से चुप चुप के इधर आने का, करने का और फिर रोने का धोने का। सर मैं तो ब्रेकअप करने आया था सर, प्लीज पूछो तो चाहते सर। ऐसा हलकट लड़का है रे तू, तेरे जैसे लड़के को ना गर्लफ्रेंड मिलनी नहीं चाहिए। चाबी कहाँ है? चाबी निकाल, चल हाँ चल बैठ अंदर चल। साहेब आलो मी पण। सर मैंने सचिन की गाड़ी चेक की है। हाँ। उसकी गाड़ी में लड़की थी सर, गाड़ी में कॉफी का कप मिला है जिसके ऊपर लिपस्टिक के निशान थे। और सर सचिन जिस लड़की के साथ था उस लड़की का नाम है नेहा दलवी, और सर सचिन का लैपटॉप और मोबाइल दोनों सिंक था। सचिन किसी डेटिंग ऐप का यूज कर रहा था लड़कियों से मिलने के लिए, और वो कल रात नेहा के साथ ही डेट पे जाने वाला था। इसका मतलब इससे पहले वो काफी लड़कियों को मिला था? हाँ सर, दो तीन लड़कियों से मिला था, सारी लड़कियों को एक ही कैफे में मिलने बुलाता था। ये सचिन बोस्टन जाने वाला था ना, तो उससे पहले ये डेटिंग सीरियल शुरू कर दिया शायद उसने। क्या ऐसा तो नहीं शिरके, ये सारी बात उन लड़कियों को पता चल गई इसलिए उन सारी लड़कियों ने मिलके इसको मार दिया। लड़कियों को ट्रैक करो, उनसे पूछताछ करो। इस नेहा दलवी के नंबर के बारे में कुछ पता चला? सर फिलहाल तो उसका नंबर बंद आ रहा है। सर मैंने उसकी एड्रेस की रिक्वेस्ट डाल दी है। मुझे लगता है कि हम इन सभी लड़कियों से पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है कि शायद किसी ने कुछ देखा। अरे देना चाह का, पूरे दुनिया की चाय बना रहेगी। कम शक्कर वाली देना। ज्यादा शक्कर। सर आप ज्यादा शक्कर डालेंगे तो मैं भाभी को बोल दूंगी। चुप ना यार, इससे बैड आइडिया। अरे मेरा हुआ, तुझको काय को दे रहे? बदनामी तो मेरी भी होगी ना अगर केस हुआ तो। भगवान जाने मैंने तुझमें क्या देखा, तू अगर विटनेस नहीं होता ना मैं तुझे यहाँ लाती भी नहीं। अब तू अंदर चल कि मैं तमाशा करूँ। बड़ा इकड़ी क्या, पढ़ाई करने की उम्र में लड़ाई कर रहे हो? हाँ क्या हुआ? क्या नाद बस हुआ? पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे साथ रेप किया। बैक रोड? शिरके ये वही बैक रोड है ना जहाँ सचिन की बॉडी मिली थी। सर हमारे बॉडी से कोई लेना देना नहीं। हाँ सर, हम कल ऑलमोस्ट दो हफ्ते बाद वहाँ गए थे। क्यों गए थे वहाँ? वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पुलिस की टिप नहीं दिखी वहाँ? नहीं सर, शायद हमारे वहाँ आने से पहले किसी ने वो हटा दी होगी। शिरके इनको लेके जाओ, उनका स्केच बनवाओ और गाड़ी का नंबर देना। सर अंधेरे में ठीक से शक्ल नहीं दिखी, पर एक कांस्टेबल था और एक सीनियर ऑफिसर, एक आपके जैसे यूनिफॉर्म था जिसमें स्टार्स थे और दूसरे में स्टार्स नहीं था। बोलवा खड़े पटेल। सर कैसी थी वर्दी? सर इनकी जैसी। जा। और हाँ सर, गाड़ी का नंबर भी क्लियर नहीं देख पाया क्योंकि उन्होंने बाइक बहुत दूर पार्क की थी। स्मिता इन्हें मेडिकल लगे, मुझे जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा फिर से। चलो। कमाल है, एक ही जगह दो क्राइम, एक मर्डर और एक रेप। मुझे लगता है इन दोनों केसेस का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सर अलग अलग भी हो सकते हैं। सर आपने देखा इन दोनों को, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, और सर ऐसे केस में बॉयफ्रेंड को बहुत मारा जाता है, लेकिन ये वीरेन ये तो बिल्कुल क्लीन था। मुझे लगता है कि ये वीरेन ने ही सब कुछ किया है इस मोना से बदला लेने के लिए। एक काम करो सर, वहाँ आसपास कोई सिग्नल रहेगा ना तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में चेक करो,
रिपीट नंबर की बाइक या फेक नंबर की बाइक वहाँ से गई है क्या? और उस दिन बीट चौकी पे और पेट्रोलिंग के लिए कौन कौन ऑफिसर्स थे वो चेक करो और दोनों नेहा से बात करो। ठीक है सर। देखो नेहा, तुम्हारी और सचिन की फ़ोन लोकेशन मैच हुई है और सचिन की कार में हमें कॉफ़ी का कप मिला है और अगर उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो आई एम श्योर तुम्हारा ही नाम आएगा। देखो, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब साफ साफ ये बताओ कि क्या तुमने सचिन का मर्डर किया? हो सकता है कि सचिन ने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की हो, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो और एक्सीडेंटली उसका वहाँ से पैर फिसला और उसकी मौत हो गई। नहीं सर, मैंने सचिन को नहीं मारा। मैं तो फर्स्ट टाइम उसके साथ डेट पे गई थी। वो बहुत स्वीट था, उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हमें पता चला है कि सचिन सीरियल डेटिंग कर रहा था, कहीं इस चक्कर में गुस्से में आके तुमने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया? सर ये तो नॉर्मल ट्रेंड है आजकल, जब तक कमिटमेंट नहीं करते डेटिंग साइट पे तब तक मल्टीपल लोगों को डेट करते हैं। फिर भी नेहा, तुम्हारा रेप हुआ था और सचिन का मर्डर। मैम, मेरा रेप एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने किया था और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो अगर किसी से कुछ कहा ना तो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के चक्कर में तुझे फंसा दूंगा। और सचिन की मौत भी उनकी वजह से ही हुई। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ही थे? हाँ, एक कांस्टेबल था और एक ऑफिसर, दोनों बाइक पे थे। तुम्हें उस बाइक की नंबर प्लेट या फिर उन ऑफिसर का चेहरा याद है? बाइक तो अंधेरे में पार्क थी, अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई। हाँ, पर बाइक ब्लैक कलर की थी। ठीक है नेहा, फिर भी तुम्हें जितना भी याद हो हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता दो। मुझे बड़े पुलिस ऑफिसर से मिलना है, आप बताइए ना वो कहाँ पे है। अरे तू बता मुझे, मैं बता। आप बताइए ना कहाँ पर है वो। मैं हूँ बड़ा पुलिस ऑफिसर, कंप्लेंट करनी है टीचर की, होमवर्क दिया है ज्यादा, है ना सर? मैं बच्ची ने जो होमवर्क की कंप्लेंट कराऊंगी। आई एम 12, मुझे अपने फ्रेंड सोहम की किडनैपिंग रिपोर्ट करानी है। बता बेटा क्या हुआ? सर मैं सोहम से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और फिर वाओ सोहम कितनी प्यारी गन है ना, मस्त। ऋषि भी डर गया था इससे, तुझे भी वहाँ आना चाहिए था। यार मैं भी वहाँ आना चाहती थी लेकिन तेरे पापा और मेरे पापा बात ही नहीं कर रहे। चल फिर मिलते हैं। इसकी ऐसे की तैसी, अभी देखता हूँ इसको मैं। जी ओ, अब पीछे से किसी ने कार ठोकी है तो अब मुस्तफा दादा उसको ठोकेंगे। ये देख, दिखाता हूँ। ये सब कितने बजे हुआ? सर करीब 10:45। 10:45, 12:30 बजे। हाँ सर, वो मैं घर में अकेली थी और स्कूल जाने वाली थी, तभी सोम का वीडियो कॉल आया और उस समय नैनी भी नहीं थी। जैसी नैनी आई मैं इधर आ गई। मम्मी पापा क्यों नहीं बताया सब? अंकल वो सोम के पापा और मेरे पापा की फायर तोड़ रखी है। लास्ट टाइम भी जब सोम किडनैप हुआ था तो सोम के पापा ने मेरे पापा पे शक किया था। लास्ट टाइम ऐसा केस रजिस्टर हुआ था? सर मुझे तो याद नहीं है, कटे चेक करो। सर भी चेक करो। हाँ एक मिनट थाम ये लगी उनसे बरोबर। कमाल है शिरके, एक ही लड़के की दो बार किडनैपिंग, कुछ अजीब नहीं लगता। नेहा से कुछ बात हुई? सर नेहा का कहना है कि उसका रेप दो पुलिस वालों ने किया। हाँ। वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे सर, दोनों ने व्हाइट वर्दी पहनी थी, इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। कमाल है। मोना का कहना है रेप करने वाला पुलिस वाला था, नेहा का कहना है रेप करने वाला ट्रैफिक पुलिस वाला था, मतलब ये दोनों केसेस में दो लोग हैं, तो गड़बड़ है शिरके। सर कई बार क्या होता है कि ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी खत्म करके दूसरे एरिया में जाते हैं रिश्वत विश्वत के चक्कर में। सर कहीं इन्हीं में से तो कोई नहीं? एक काम करो शिरके, नेहा ने जो हुलिया बताया और गाड़ी का नंबर बताया सारे पुलिस डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करो, देखो किसी से मैच होता है क्या, ये दोनों पुलिस वाले है कौन। सर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो दोनों ट्रैफिक पुलिस वालों ने रेप किया हो और फिर अपने जानने वाले कॉप्स को ये बात बताई हो और फिर उन दोनों ने भी रेप किया। हो सकता है। एक न्यूज फ्लैश कर दो, वो एरिया अनसेफ है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता वहाँ कोई न जाए। सर मैंने चेक किया, सोम नाम से कोई किडनैपिंग केस नहीं है। इसका मतलब अभी भी कोई केस रजिस्टर नहीं करेगा। शिरके तुम मोना और नेहा का केस संभालो। दूसरी बार किडनैपिंग, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, उनको पैसा चाहिए ना, मैं दे दूंगा लेकिन पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। पुलिस को कांटेक्ट किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
हाँ बोलिए। साफ सफाई के लिए बुलाया था घर में? हमने किसी को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया था। अरे ये कहाँ अंदर घुसे चले? बुलाया था। किसी के घर में जबरदस्ती कैसे घुस सकते हो? आपके बेटे सोहम को किडनैप किया गया है और मुझे लगता है किडनैपर उसकी नज़र आपके घर पर है, इसलिए भेस बदल के आना पड़ा। आपको किडनैपर से कॉल किया था? जी जी सर, 2 घंटे पहले। और ये पेपर गाड़ी में फेंक के गए थे सर। बच्चा जिंदा चाहिए तो 25 लाख का बंदोबस्त कल रात तक हो जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे के 25 टुकड़े कर देंगे। फॉरेंसिक के लिए भेज दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोहम हमारा इकलौता बेटा है और हमें उसकी जान बहुत प्यारी है। मैंने पिछली बार भी फिरौती की रकम देके उसकी जान बचा ली थी। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज आप जाइए। एक मिनट, पिछली बार पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी इसलिए किडनैपर्स ने फिर से हिम्मत की है, समझे? हरदम पैसा और लग काम में नहीं आते। शुरू से बताइए, सोम किसके साथ गया था, कौन कौन था उसके साथ? सर मैं बताती हूँ। पापा, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे रूम में लॉक कर दिया था, मुझे रात को बहुत डर लग रहा था। मम्मी, मैंने आपको आवाज भी दी। पापा, बेटा मेरे को तो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, इतनी गहरी नींद में सो रही थी। हाँ बेटा, आवाज तो मैंने भी नहीं सुनी। आप दोनों गंदे हो। अरे आप बहुत गंदे हो। अरे सुन तो, किसने परेशान किया हमारे सोहम को? पापा ने, उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया था। मुझे दिन में भी बाहर नहीं निकलने देते और रात को भी लॉक कर देते। सर सोहम बच्चा है, परेशान हो जाएगा। आप कहें तो इसे आज मार्केट ले जाऊं, आइसक्रीम खिला के वापस ले आऊंगा। ये पापा, पापा प्लीज, पापा, मम्मी, पापा को बोलो ना। ओके, लेकिन एक शर्त पे, तुम हर वक्त मुस्तफा के साथ रहोगे, 1 मिनट के लिए भी उससे अलग नहीं होगे। डन, चले चले चले। मुस्तफा ने तो किडनैप नहीं किया? नहीं नहीं सर, बल्कि किडनैपिंग होने के बाद सबसे पहले उसी ने मुझे फोन करके बताया था। उसे बहुत चोट भी लगी है, मेरे क्लिनिक में ही एडमिट है। तृप्ति, उसका स्टेटमेंट ले लो और उसे क्वालिटी चेक करो, और सोहम जहाँ से किडनैप हुआ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। अक्सर बच्चे को जानने वाले उसको किडनैप करते हैं। पिछले बार किसने किडनैप किया था? देखिए सर, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा शक है कि मेरा वो एक्स पार्टनर ब्रिज ठाकुर, उसी ने किया रहेगा। आओ बस करा, पिछले बार भी आपने उसे किडनी के रैकेट में फंसा कर अपना क्लिनिक खाते आना चाहा था। इस बार अगर सोहम को कुछ हो गया ना इन सब चक्करों में, तो फिर देख लेना। क्या चल रहा है? पहले गलती कर दो, बाद में दोष जमाते हो। ब्रिज का एड्रेस दो, ब्रिज का एड्रेस दो। क्या हेमंत ने फंसा है मुझे? सर ये बात अभी आपसे पता चल रही है मुझे, तो मैं क्यों बदला लूंगा उससे? पर सर बदला लेना भी होगा तो मैं सोहम से क्यों लूंगा? वो छोटा बच्चा है, जिया का दोस्त है सर वो। सर उसकी वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। और सर इसीलिए ब्रिज मेरे क्लिनिक में मुझे असिस्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस। आपके मोबाइल चेक कर सकता हूँ? यस सर, श्योर। कर ले, चेक कर। सर आप मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सोहम को ढूंढिए। थैंक यू। अब सही हुआ, जैसे को वैसा मिल गया। साहब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग गेटअप में अलग अलग तरीके से फोटो क्यों खिंचवा रखी है तूने? साहब मुझे एक्टर बनने का शौक था, ये पोर्टफोलियो बनवाया। बॉडीगार्ड का काम तो सर पैसे के लिए करना पड़ता है। मतलब पैसों के चक्कर में बच्चों को किडनैप करना भी शुरू कर दिया? मैंने आज तक इलीगल काम कोई किया ही नहीं, परहेज है मुझे। सर ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा मैंने आज तक। सर ये देखिए। अब इसके बारे में क्या कहना है तेरा? साहब ये भी एक्टर है, हम दोनों रूममेट हैं। तो दुनिया में जितने भी एक्टर हैं सबका फोटो लेके घूमता है तू? साहब रूममेट है तो सर। तृप्ति, इसके और इसके रूममेट दोनों का फोन चेक करो और दोनों का घर भी चेक करना। सर मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया है। सर उस एरिया में कोई भी ऑफिसर पोस्टेड नहीं था। इनफैक्ट उस गली में एक पेट्रोलिंग टीम ने 2-3 बार चक्कर भी लगाए थे, लेकिन बैक रोड पे नहीं गई सर। और सर उस एरिया में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे उस पर्टिकुलर बाइक को ट्रैक किया जा सके। ये लोग है कौन? एक काम करो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की लिस्ट चेक करो और सचिन और वीरेन के कार पे जो फिंगरप्रिंट मिले मैच करके देखो। पता नहीं शिरके, मेरा गट फीलिंग कह रहा है ये 4 लोग नहीं 2 लोग हैं, पर इनके फिंगरप्रिंट भी मैच हो जाएंगे। हो जाएगा सर, लेकिन सर 2 कार हैं, थोड़ा टाइम जा सकता है।
मुस्तफा से बात हुई? हाँ सर, जैसे कि जिया ने बताया था, मुस्तफा एक बाइकर से लड़ने बाहर गया और दो लोगों ने आके उसके सर पर डंडा मारा। सर मुस्तफा को 16 टाके आए हैं और सर पीछे से दो लोग आए। सीसीटीवी फुटेज है? सर क्राइम सीन से थोड़ी दूर एक सिग्नल पर सीसीटीवी है, हमने वहाँ की फुटेज मंगवाई है। सर मुस्तफा से बात करके एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। जैसा कि आपको लग रहा था कि दो पुलिस वाले हैं, सर मुस्तफा के फोन में ये फोटो मिला है, ये देखिए। मुझे लगता है कि ये दोनों हैं, मुस्तफा और उसका दोस्त। हालांकि इनकी फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स हम लोग चेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुस्तफा नकली पुलिस वाला बन के घूम रहे। सर वो रेप केस में और एक व्यक्ति मिली है। पुलिस ये दोनों मामले सुलझाने की कोशिश कर रही थी। सोहम के अपहरण में पुलिस के पास कई लीड्स थे, पर रेप केस में उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जो रेप पीड़ितों के बताए हुलिये से मैच करता हो। पर उन्हें 16 कॉल्स और विक्टिम्स मिले, उन 16 लड़कियों के, जिन्हें पिछले 6 महीनों में ऐसे ही दो पुलिस वालों ने उनके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा था और रेप किया था। ये बात सामने आते ही पुलिस और मीडिया दोनों हरकत में आ गए थे। अब ये केस काफी बड़ा बन चुका था। जिन दो पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया है, या तो वो पुलिस फोर्स में रहने के लायक नहीं, या तो वो सच्चे पुलिस वाले ही नहीं, वो फेक है। और ये दो पुलिस वालों से जरा बच के रहिए, उनके झांसे में मत आइए। सच्ची पुलिस पब्लिक की रक्षा करने के लिए, शोषण करने के लिए नहीं। अगर मेरे सोहम को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं, नहीं आज नहीं। हाँ देखता हूं। जाके सो जाइए, कल बैंक भी तो जाना है पैसे निकाल। हाँ शिवानी, कहीं पुलिस को गड़बड़ ना कर दे। कुछ नहीं होगा हमारे सोहम को, जो होगा अच्छा होगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। तू थाम, मैं जा कर। और इनके बॉयफ्रेंड्स को मारा है, पीटा है और बैक रोड को पिछले 6 महीनों से अपना अड्डा बना के रखा था। इनका स्टेटमेंट लो, देखो इनको कुछ याद आता है क्या। किसी भी हालत में वो दोनों पुलिस वाले मुझे चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर सॉर्टिंग चल रही है, कल सुबह तक सारी टाइमलाइन का पता चल जाएगा सारे अवेलेबल एंगल्स के साथ। सर मैंने उन सभी लड़कियों से बात की है, उन सभी लड़कियों ने रेपिस्ट के बारे में एक कॉमन बात बताई है। सर उनका कहना है कि रेपिस्ट के हाथ में इस पॉइंट पर कुछ टेप या बैंडेज जैसा लगा हुआ था। टेप या बैंडेज? हाँ सर, और लड़कियों ने यह भी बताया कि उन दोनों रेपिस्ट ने पुलिस की वर्दी पहनी थी लेकिन चेहरा साफ तरीके से दिख नहीं पाया। सर सचिन की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच हुई है। सर उसका सर पत्थर पे टकराने के वजह से उसकी मौत हुई है, सिंपल ब्लड लॉस। देखो क्रिमिनल्स के बारे में कुछ क्लू मिलता है क्या? सर सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिस बाइकर ने मुस्तफा की कार को ठोका था वो दोनों व्हीकल्स उस गली में एक साथ एंटर हुए थे जहाँ पे किडनैपिंग हुई थी। सर सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। सर ये देखिए, उस गली में एंटर होने से पहले उस बाइकर ने अपना हेलमेट निकाला था, फेस विजिबल है। उम्र से काफी छोटा लड़का लगता है सिर के, लेकिन फिर भी ये किडनैपर की गाड़ी को पहचानता ऐसा लग रहा है। कि काम करो सिर के, सचिन के दोस्तों से और पेरेंट्स से पूछो इसे जानते हैं क्या वो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, सर इंस्पेक्टर साहब, सर मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया सर। क्या? शिवानी किडनैप हो गई है सर। अब बेटी ये बताइए क्या हुआ? नहीं सर मैं ठीक हूँ सर। सर हम लोग बैंक जा रहे थे पैसे निकालने के लिए, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, मैं चेक करने के लिए नीचे उतरा तो शिवानी भी बाहर आई, इतने में कोई उसे किडनैप करके ले गया सर। एक ही घर में दो किडनैपिंग, ये तो काफी अजीब है सर। नहीं सर देखिए, मुझे लगता है कि जिसने मेरे सोहम को किडनैप किया है उसी ने मेरी बीवी को भी किडनैप किया है ज्यादा पैसे के लालच में। शिरके फुटेज दिखा, सोहम के किडनैपर्स की लीड मिली है। देखो इस लड़के और गाड़ी को कहीं देखा है क्या? हाँ सर, इस लड़के को तो मैंने ब्रिज क्या देखा है। सर मैं आपको पहले भी कह रहा था कि किडनैपिंग में जरूर ब्रिज का हाथ है।
सर प्लीज मेरी शिवानी को बचा लीजिए, उसे कुछ हो गया तो सर। तुम दोनों ब्रिज के पास जाओ। सर आप बैठिए, बताइए कैसे हुआ शुरू से। बैठिए बैठिए। सर सर ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला सर। हाँ ये ऋषि के भाई उदय का दोस्त है विजय, कभी कभी ऋषि को लेने के लिए उदय के साथ आता था। ऋषि और जिया दोस्त है, ग्रुप स्टडीज करते थे। अमित ऋषि और विजय दोनों का फोन नंबर और एड्रेस चाहिए। ठीक है अंदर डालो इन्हें। सर बच्चे की माँ शिवानी वाह की बॉडी मिली है। हमने शिवानी बाग का फोटो सभी जगह सर्कुलेट किया था। इस पत्थर से इसका सर कुचला गया है। सर बॉडी पे काफी डिफेंसिव वुंड्स है, इसका रेप भी हुआ है। सोम कहाँ है? सोम को हॉस्पिटल भेज दिया सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फिंगरप्रिंट चेक करो। वो हेमंत उसको बुला। ठीक है सर। सर आपने कहा मेरा बेटा सोहम मिल गया है। बैठिए बैठिए। सर शिवानी देखिए सोम ठीक है, उसको मेडिकल चेकअप के लिए भेजा हॉस्पिटल में, वो आता ही होगा। शिवानी के बारे में? शिवानी की डेड बॉडी मिली है हमें। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? शिवानी सर पापा सोम आ गए। पापा आप रो क्यों रहे हो? काका कहीं जाना? शांत हो बड़ा शांत हो। हेमंत जी आप उसे घर ले जाइए। करडे एना सोगने ए करडे हम अरे सीधा खड़े रहे सीधा खड़े रहे। तूने अपने दोस्त के छोटे भाई को किडनैप किया, बाद में उसके माँ को मार दिया। हाँ सर ये सब उदय का प्लान था। अबे साले अकड़ है क्या ये? हाँ सर ऋषि हमें बताता रहता था कि सोहम के बाप के पास बहुत सारा पैसा है सर, और सर किडनैपिंग पहले भी हो चुकी थी सर, हमारे ऊपर ड्रग डीलर का बहुत बड़ा कर्जा है सर। सर वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हमें लगा था सीधा पैसा दे देंगे। लेकिन वो पुलिस के पास आए ही नहीं, तुम्हारा नसीब खराब है, पुलिस तुम्हारे पास आ गई। हाँ शिवानी को क्यों मारा? सर हमने नहीं मारा शिवानी को। तू मार। तुम्हारा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा था वहाँ जहाँ शिवानी की बॉडी थी? हाँ सर वहाँ हम लोग एरिया की रेकी के लिए गए थे। क्या साफ करना था? नहीं सर, सर पैसे कहाँ लेने हैं उसके लिए हम दो तीन सुनसान जगह गए थे सर, हम अपना ही प्लान क्यों फ्लॉप करते। सर उन दोनों कारों का फॉरेंसिक करवा लिया है, उन दोनों कार पर किसी एक बंदे का फिंगरप्रिंट मैच हुआ है। मुस्तफा उसके दोस्त और सारे सस्पेक्ट से मैच करवा। ठीक है सर। सर शिवानी की पीएम रिपोर्ट आ गई है, उसका रेप हुआ था और कॉन्डम भी यूज किया गया था, और सर पत्थर से कुचला गया था। टाइम ऑफ डेथ 10:30 से 12:30 के बीच में। हेमंत ने कहा था उसकी किडनैपिंग 10:25 हुई है, मतलब 5 मिनट में रेप और मर्डर। और सर और एक बात, शिवानी के बॉडी पर प्यूबिक हेयर मिला है, बट वो हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं होता। चिरके हेमंत ने बताया था कि जब उसकी किडनैपिंग हुई उस वक्त वो बैंक जा रही थी, लेकिन जहाँ से वो किडनैप हुई वहाँ से कोई भी रास्ता बैंक की तरफ नहीं जाता। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब हेमंत ने किया? लेकिन सर हेमंत ऐसा कैसे कर सकता है? आई मीन जब उसकी बीवी का मर्डर हो रहा था वो हमारे सामने बैठा था। ये तो चालाकी थी, उसके अलिबाई क्लियर है, लेकिन उसका वो दोस्त निशांत उसके हाथ पर देखा है निकोटिन पैच था। हाँ सर सारी लड़कियां जिनका रेप हुआ था उन सब ने कहा कि उन्हें रेपिस्ट के हाथ में कुछ बैंडेज या टेप जैसा फील हुआ था, शायद वो वही हो सकता है। लेकिन सर ये सबूत पुख्ता नहीं है, इस आधार पर हम उसका डीएनए टेस्ट कराने की परमिशन भी नहीं ले सकते। इसलिए तो डीएनए टेढ़ी उंगली से करना है। एक काम करो दोनों को बुला, हेमंत को बोलना बीवी की बॉडी लेने के लिए आना तो पड़ेगा। थैंक यू। चाय लीजिए। नहीं सर
ले लीजिए, मेरे पुलिस स्टेशन की बहुत मशहूर चाय है, 4 चम्मच चक्कर वाली, लीजिए। सर चाय नहीं, पानी लूंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। सोहम कैसा है? इंस्पेक्टर साहब, उसके आई के जाने के बाद से बहुत उदास रहता है। चलिए मैं आपको बॉडी हैंडओवर कर देता हूँ। जी। करडे, फॉरेंसिक लपाटवा, फिंगरप्रिंट कलेक्ट करा। सर, कार पर जो फिंगरप्रिंट थे वो हेमंत से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर निशान से मैच कर रहे हैं, और शिवानी की बॉडी पर जो पीवी खैर मिला है उसका डीएनए निशान से मैच करता है। सर सर के इसका मतलब नेहा और मोना के रेप के वक्त निशान वहां मौजूद था, और शिवानी का रेप भी उसी ने किया है। सर, मैंने निशांत और हेमंत दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं, और निशांत के चाचा का बेटा है हेमंत। सर दोनों काफी क्लोज हैं। बहुत शाना परिवार है, यूं ही दो करना। मारो! पुलिस की वर्दी पहन के सब गंदा काम करते हो, पुलिस की इज्जत मिट्टी में मैं डाल दी? हाँ? सर ये आप लोग गलत कर रहे हैं। लॉकअप में बुला के आप लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो सब हम कर रहे थे, और कन्फेस हम करेंगे नहीं। अरे मत कर कन्फेस, कुछ जरूरत नहीं तेरे कन्फेशन की, समझे? घर का भेदी लंका डाय से हालत हो गई तुम्हारी, 18 लड़कियों के रेप केस में सटक गए, 1 शिवानी के रेप केस में अटक गए। अभी इस एक एविडेंस को बाकी एविडेंस से कैसा जोड़ना है ये हमें आता है, ये है महाराष्ट्र पुलिस। मार! कब से चल रहा था ये? 6 महीने से तो हमारे पास एविडेंस है। बताता हूँ, वो ये सब हम कॉलेज के टाइम से कर रहे हैं। मेरा बाप एक सेक्स एडिक्ट था, मैं भी हूँ, ये सब कुछ मेरे बाप से ही सीखा है। हम दोनों मेरे बाप के लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर बाप के लेगेसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद की लेगेसी भूल गए? सोहम की माँ को मार दिया, अब बाप जेल में, वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? शिवानी। हाँ? अरे वो कपड़ा देना जरा साफ करने वाला, सीट से खाली है सिर। काम हो गया उसका? डन एंड डस्टेड। मेरे को एक बात बता, वो हिंदी को कैसे पता चला? अरे वो कल उसने वो चाय नहीं पी थी। तुम सोई नहीं अभी तक? आपके चाय नहीं पीना। तुम वही हो ना जो लड़कियों का रेप करता है पुलिस की वर्दी पहनकर? नहीं शिवानी, इसलिए तो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे थे ना? नहीं। सोहम के लिए पुलिस स्टेशन बताओ। ये तुम क्या कर रही हो शिवानी? मैं जान गई हूँ तुम्हें, अब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। अरे शिवानी सुन, शिवानी पागल हो गई हो क्या? अरे कम से कम ये सब सोचने से पहले पूछ तो लेते मुझसे कि सच्चाई है क्या। इस वक्त हमारे लिए सोहम को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो कुछ भी है ना, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सोहम को बचाना है ना, है ना? तुम्हारा बाप जानवर था, तुम भी जानवर हो, सड़ो जेल में, संभालो लेगेसी, कुत्ते सर का मारा है। निशांत और हेमंत दोनों ही मानसिक रूप से विकृत इंसान थे, और पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपने सेक्स एडिक्शन का इलाज नहीं करवाया, बल्कि उसे और हवा दी और मासूम लड़कियों का शोषण किया। हेमंत तो इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी पत्नी तक को मरवा दिया, पर उसने ये नहीं सोचा कि उसकी गलतियों की वजह से उसके बेटे की जान पर 2 बार किडनैपर्स का अटैक हुआ, और अब पकड़े जाने पर उसके लाडले बेटे का क्या होगा। इसलिए याद रखिए, कोई भी जुर्म खाली नहीं जाता, उसकी सजा आज नहीं तो कल इंसान को मिलती ही मिलती है। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाणे आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।